Assalamualaikum students, welcome back. Here we are going to start our 14th lecture of class 5 computer science. Let's start our lecture today. आज हम अपना second chapter start करेंगे. Chapter 1 हमारा complete हो चुका हुआ है. So second chapter का नाम है आपके पास computer memory. इसके बारे में हमें पता भी है थोड़ा बहुत, लेकिन अब हम इसके बारे में थोड़ा और information gain करेंगे. Computer memory मतलब computer के storage जहाँ पे होती है वो चीज़. The capacity of a computer to store data and information is called its memory. Computer की वो जगह जहाँ पे उसका data और information store होता है उसे हम memory कहते हैं. It is used to store the input as well as processing and outputs of a computer. इसमें आप input भी store कर सकते हैं, processing भी और output भी. A computer has a large memory. Computer की memory बहुत बड़ी होती है, आप लोगों को भी पता है. जैसे आजकल हम mobiles लेने जाएँ, हम उसे पूछते हैं ना कितनी GB का memory contain करता है, या कितने इसमें रैम है, या कितनी रोम है. इसी तरह कंप्यूटर की भी रैम रोम में और उसकी भी मेमोरी होती है. आगे वो कह रहा है जिसके थ्री ज़रिए आप कोई भी चीज़ जो है आसानी से खेल भी सकते हैं, आसानी से उसके साथ स्टोर कर सकते हैं. लाइक टेक्स्ट है उसे भी आप स्टोर कर सकते हैं, पिक्चर्स, गेम्स, ऑडियो, वीडियो फाइल्स इन द कंप्यूटर मेमोरी. आप कोई भी चीज़ आसानी से कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं. हाँ जी, आगे जो लाइन मैंने अंडरलाइन की हुई है उसको आप ध्यान से देखें. व्हेन यू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर When you give instructions to the computer, these instructions get converted into a new language known as machine language. जब आप computer के अंदर कोई भी instruction लिखते हैं, computer चूँकि हमारी ज़ुबान नहीं समझता, उसकी अपनी ही एक language होती है, तो वो इन instructions को convert करता है एक new language में, जिसका नाम है machine language. ठीक है, it is in the form of zeros and ones. ये zero और one की form में होते हैं. Computer only understand the language of zero and ones. ये आपको भी पता है कि computer जो है वो सिर्फ और सिर्फ zero और one की language को understand करते हैं, उसके अलावा हमारी जो language है वो उसको नहीं समझते. The digits zero and one are known as binary digits और bits. अब हम zero और one को binary digit या हम इसे bit कहेंगे. ये छोटी छोटी सी कुछ definitions हैं, इनको आपने underline भी करना है और याद भी करते रहना है साथ साथ. As you measure heights and in feet and inches, weights in grams और kilograms, मतलब अब ये आपको common चीज़ें बता रहे हैं. जैसे हम किसी भी चीज़ को चीज़ लेने जाएं बाहर से मार्केट से, उसे हम केजीज में लेते हैं, किलोग्राम्स में लेते हैं. हम अपनी हाइट का वेट हाइट करें मेयर करेंगे तो उसको हम फीट्स में काउंट करते हैं या इंचेस में काउंट करते हैं. इसी तरह कंप्यूटर की भी मेमोरी को मेयर किया जाता है और उसे हम बाइट में मेयर करते हैं. अ बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स. अब ये आपके पास बाइट की डेफिनेशन है. वॉट इज़ अ बाइट? अ बाइट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स. 8 बिट्स की बाइट, जब 8 बिट्स कलेक्ट होंगी उसे हम एक बाइट कहेंगे. इसी तरह कंप्यूटर के और भी जो यूनिट्स हैं दैट आर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट. या आपके पास एक छोटा सा टेबल बना हुआ है, इसको आपने अच्छे से लर्न भी कर लेना है. एमसीक्यूज इसमें से आ सकते हैं. 1 byte इज इक्वल टू 8 bits. 8 bits में 1 nibble में 4 bits आती हैं. किलोबाइट में आपके पास 1024 bytes आ जाती हैं. मेगाबाइट आ जाती हैं. अब मेगाबाइट के अंदर किलोबाइट होंगी, ठीक है, 1024 किलोबाइट. गीगाबाइट है तो इसके अंदर मेगाबाइट होंगी, 1024 ही रहेंगी लेकिन मेगाबाइट होंगी. इसी तरह अब टेराबाइट की बात आ रही है तो इसमें 1024 गीगाबाइट्स होंगी, तो 1 terabyte आपके पास बन जाएगी. ये चार्ट आपने याद कर लेना है. मेमोरी टाइप्स आपके पास दो तरह की होती हैं, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और द सेकेंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी. सो फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी आपके पास, इसका दूसरा नाम आता है इंटरनल मेमोरी. इंटरनल मेमोरी मतलब आपको पता है इंटरनल किसे कहते हैं, अंदर वाली चीज़ को. तो ऐसी मेमोरीज जो कंप्यूटर के अंदर फिक्स्ड होती हैं दैट आर कॉल्ड प्राइमरी और इंटरनल मेमोरीज. इट्स अ स्टोरेज स्टोर. अब ये क्या काम करता है? इट स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स रनिंग इन द कंप्यूटर. जो कंप्यूटर में काम चल रहा होता है ये उसको स्टोर करता है. इट इज़ एसेंशियल फॉर वर्किंग द कंप्यूटर. ये कंप्यूटर को काम करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. प्राइमरी मेमोरीज ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह की होती हैं. एक होती है रोम और दूसरी रैम. ये जो भी मैंने आपको एक पीछे एग्जांपल दी थी उसी तरह में. रोम आपके पास स्टैंड फॉर अ रीड ओनली मेमोरी. इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा पढ़ते रहे हैं, पिछली क्लासेस में भी पढ़ते रहे हैं. रीड ओनली मेमोरी स्टोर्स डाटा एंड इन्फॉर्मेशन परमानेंटली. ये अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ. हमारे दो तरह के बोर्ड मार्कर्स होते हैं, एक होते हैं परमानेंट मार्कर एंड द सेकेंड वन इज टेम्परेरी मार्कर्स. परमानेंट मार्कर ऐसी चीज़ जिसको हम लिखते हैं और उसके साथ हम इरेज नहीं कर सकते. प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड ऑन रोम चिप्स व्हेन कंप्यूटर इज मैन्युफैक्चर्ड. जब कंप्यूटर बना रहे होते हैं उसके ऊपर रोम के ऊपर प्रोग्राम्स तभी लिख दिए जाते हैं, फिर इसको हम चेंज नहीं कर सकते. यू कैन ओनली रीड द इंफॉर्मेशन. आप रोम से इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं लेकिन कांट बी रिटर्न इन टू इट, लेकिन उसके ऊपर लिख नहीं सकते.
रोम इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी. ये नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसके ऊपर हम लिख नहीं सकते, उसे हम नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं. एज द डेटा स्टोर्ड इवन इफ़ द पावर इज स्विच्ड ऑफ. इसका डेटा स्टोर रहता है जब आपकी पावर या आपकी लाइट चले भी जाए तो इस पर डेटा सेव रहता है. इसी तरह आपके पास रैम है. रैम होल्ड द डेटा टेम्प्रेरली. ये जैसे हम बोर्ड मार्कर्स हैं, हमने कुछ लिखा उसके बाद उसको इरेज कर दिया और फिर लिख दिया. यहाँ पे इसीलिए इसे टेम्प्रेरी मेमोरी कहते हैं. द इंफॉर्मेशन कैन बी रीड एंड रिटन ऑन इट. इसके ऊपर आप लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं. जैसे अब इसके ऊपर हम चेंज नहीं कर सकते थे तो ये नॉन वोलेटाइल थी, इस पर हम कर सकते हैं. सो दैट इज वोलेटाइल मेमोरी. एज द डेटा डिसअपियर्स व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ. जब आप काम कर रहे हों और आपका जो है लाइट चले जाए तो इसका जो है डाटा सेव नहीं होता, ये इरेज हो जाता है. इसकी एग्जांपल में आपके पास में ये भी कह सकते हैं कि आप एक मोबाइल पे मैसेज लिख रहे हैं, आपका मोबाइल की बैटरी डेड हो गई, वो पावर ऑफ हो गया, तो वो मैसेज लिखा हुआ तो नहीं रहेगा ना, तो वो इरेज हो जाएगा. दैट इज़ वोलेटाइल मेमोरी की एग्जाम्पल में आ जाएगा. इट्स ऑल्सो नाउन एज रीड एंड राइट मेमोरी. से आप रीड एंड राइट मेमोरी भी कहेंगे. मस्ट नो की इन्फॉर्मेशन में आपके पास कह रहे हैं द कंप्यूटर सिस्टम कैन हैव रैम अप टू 32 GB. रैम कंप्यूटर के अंदर 32 GB से भी ज़्यादा की लग सकती है. यहीं तक की आज की आपकी रीडिंग है. इंशाल्लाह कल एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़. इसमें आपने इसके साथ की टर्म्स को याद कर लेना है, ठीक है. अल्लाह हाफिज़.